एक फिल्म की कहानी या एक किरदार किसी भी एक्टर की जिंदगी बदल सकता है। किसी बड़े स्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो स्क्रिप्ट को लेकर चूजी हो जाता है। स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म की जान होती है। ऐसे में हर बड़ा एक्टर फिल्म की कहानी पढ़कर सोच विचार करने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट को साइन करता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने दोस्ती और रिलेशन की खातिर बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्में साइन कर दी। चलिए जानते हैं कौन से एक्टर ने कौन सी फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन की। शाहरुख खान इन दिनों जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं उनको देखकर लगता नहीं कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी होगी। अब शाहरुख ने स्क्रिप्ट पढ़ी या नहीं इसका जवाब तो शाहरुख ही दे सकते हैं। लेकिन शाहरुख इससे पहले ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यश चोपड़ा की कई फिल्मों को उन्होंने बिना पढ़े ही साइन किया। इसके अलावा शाहरुख ने करण जौहर की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता में भी काम करने के लिए केवल इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि DDLJ के सेट पर उनकी करण जौहर से अच्छी दोस्ती हो गई थी। सलमान खान। जब सलमान खान की फिल्में उनके स्टारडम से चल जाती हैं, तो फिर स्क्रिप्ट की क्या जरूरत। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सलमान की अपकमिंग मूवी ट्यूबलाइट के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन की है। वैसे सलमान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सलमान खुल्लम खुल्ला इस बात को कई बार कबूल कर चुके हैं कि उनके कई सुपरहिट डायलॉग स्क्रिप्ट में कभी थे ही नहीं। बस सलमान सेट पर पहुंचे और उन्होंने जो बोल दिया वही डायलॉग बन गया। आमिर खान से तो किसी को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आमिर ने भी एक फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दी थी। आमिर खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि फिल्म अव्वल नंबर को उन्होंने बिना कहानी सुने साइन कर लिया था। हालांकि अब आमिर ना केवल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं बल्कि स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से चेंज भी करवाते हैं। शायद यही कारण है कि वो अकेले स्टार हैं जिनकी फिल्में 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही हैं। दीपिका पादुकोण। फिल्म की सक्सेस की गारंटी कही जाने वाली दीपिका ने भी बिना स्क्रिप्ट पढ़े 2013 में रिलीज हुई ये जवानी है दीवानी साइन की थी। दीपिका को डायरेक्टर आयान मुखर्जी पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से ब्रेकअप के बाद भी वे रणबीर कपूर के साथ फिल्म करने के लिए राजी हो गई। कटरीना कैफ। फेवरेट फिल्म मेकर फिल्म का ऑफर दे तो किसकी हिम्मत है कि स्क्रिप्ट की डिमांड करे। कटरीना कैफ को जब यश चोपड़ा ने जब तक है जान का ऑफर दिया तो कटरीना ने सिर्फ उनसे शूटिंग शेड्यूल के बारे में पूछा। वैसे ये अच्छा भी है क्योंकि कैट अगर स्क्रिप्ट पढ़ लेती तो शायद ही फिल्म का हिस्सा बनती। अनुष्का शर्मा फिल्म मेकर राजू हिरानी की बहुत बड़ी फैन है। ऐसे में जब पीके के लिए राजू ने अनुष्का को अप्रोच किया तो वे बिना कहानी सुने फिल्म साइन करने के लिए तैयार हो गई थी। बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन करने वाले स्टार्स की लिस्ट काफी लंबी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक्टर कभी ना कभी दोस्ती और रिश्तों की खातिर स्क्रिप्ट पढ़े बिना फिल्म साइन कर ही लेता है, जो होती है कभी हिट तो कभी फ्लॉप। NMF न्यूज की रिपोर्ट।